है कि एक परिवार में चार बच्चे हैं, चार लड़के हैं, परिवार है उसमें, कह सकते हैं पोता है, पोती है, जो भी उसके रिश्तेदार है, जो भी बच्चे साथ में रहते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे कैसे रहेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं जानने की कोशिश करूँगी कि और क्या कुछ इसमें है। लेकिन आपको पेमेंट ज़रूर करने होंगे, 2 लाख रुपये का आपको देना होगा, चाहे आप लोन लेकर के आए, जहाँ से भी आए, लेकिन परिवार में किसी एक को ही ये घर दिया जा रहा है। सभी का सवाल यही, एक बार पैन करके कैमरा दिखा दें कि कहाँ से कहाँ बिल्डिंग कैसी बनी हुई है। ये देखें, बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, दूर से नज़र आ रही है काफ़ी खूबसूरत, लेकिन अब इस बिल्डिंग में किसको क्या मिला है ये जानना भी बहुत। इस वक्त मैं DDF फ्लैट में मौजूद हूं। पीएम मोदी द्वारा जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है ये बताना भी जरूरी है कि बताया जा रहा है कि हर किसी को पक्का मकान दिया जाएगा, और ये भी कह दिया गया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन मैं आज उसी पक्के मकान में हूँ। DDF द्वारा जो फ्लैट बनाए गए हैं और लोगों को दिया गया है, लेकिन इस DDF फ्लैट में आने से पहले शर्त है कि आप लोगों को पैसे पे करने होंगे, चाहे आप लोन लेकर के आए या किसी तरह से पैसे जमा करना होगा। 3 महीने का वक्त दिया गया है, अगर ये पैसे 3 महीने के अंदर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपके जो पेपर्स हैं उसमें कोई भी कमियां होंगी तो भी कैंसिल, आपके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है तो भी कैंसिल, और अलग अलग लोन लेने के भी प्रोसीजर है, उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन जो DDF फ्लैट लोगों को दिया जा रहा है, मैं मौजूद हूँ, ये किचन आप देखें, मैं अभी किचन में मौजूद हूँ, और किचन के साथ साथ जो फ्लैट दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपये लिए जाते हैं, यही है DDF फ्लैट। और ये देखें, ये रूम है, आपको मैं ये रूम दिखाती हूँ, हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक बस एक रूम, ये आप देख रहे हैं, इसे हॉल भी कह सकते हैं। और आपको इधर दिखाते हैं क्या है, इधर ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, और इस साइड में ये वॉशरूम है, हालांकि टूटे फूटे हैं, ये देखें पूरी तरीके से ये टूट चुका है, और ये गंदगी साफ नज़र आ रही है। और ये एक जो रूम है वो ये रूम दिया गया है, इसे बेडरूम आप बना सकते हैं। लेकिन इतने जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से कितने लोग यहाँ पर रह पाएंगे, ये मुश्किल है, क्योंकि परिवार में सिर्फ एक ही को ये फ्लैट प्रोवाइड किया गया है। और लोगों का सवाल यही है कि एक परिवार है। विजय जी बताएं जी, मुझे फ्लैट अलाट हुआ है और इसको भरने के लिए पैसों के इंतजाम के लिए मैं बहुत कुछ करना पड़ा। सर आप रो रहे हैं, कहाँ से लाए पैसे, क्या काम करते हैं आप? सिलाई का। परेशान नहीं होना है? मैं सिलाई का काम करता हूँ, एम्ब्रॉयडरी का जी, तो मैं 400 या 500 ही कमा पाता हूँ। जी जी, मेरी जो मिसिज है घरों में काम करती है, दो बच्चे हैं, पिताजी देख खत्म हो गए, तो इतनी इनकम तो 3 ही बजट था, नहीं कि हम पैसे कर पाते। तो लोन के लिए अप्लाई किया, हुआ नहीं, फेल हो गया वो। हाँ जी, तो समय नज़दीक आने लगा तो रिश्तेदारों से कुछ बोला गया, सॉरी अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा मेरे जो ससुर थे जी जी, तो उन्होंने अपने गांव की जमीन बेची, तो उससे हमें उन्होंने 1 लाख रुपया दिया ससुर ने हमारे। उसके बाद मेरी घरवाली जो है ना, ये ऑफिसर फ्लैट है DDF फ्लैट में 429 के बस स्टैंड के पास, तो जिनके घर में काम करती थी उनसे मदद मांगी, उन्होंने दी, उन्होंने 50,000 दिए, तब हमने जाके भरा यहाँ पे। अब हमको उसकी भी चिंता है कि लौटाने, तो अब इसमें आए हैं तो टॉयलेट टूटी है, अब बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। जी जी, मैं समझ रही हूँ आपके दर्द को, मैं समझ रही हूँ, आराम से बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात को। तो अब वो कह रहे हैं टाइल जब मिस्त्री होगा तब आएगा, आप अपने आप लगा लो, तो कई बात नहीं, अब मीटर लगा होगा तब चाबी मिलेगी, जब हमने मीटर लगवा लिया तो चाबी तो हमें मिल गई, खोल के देखा तो बाथरूम की टाइलें टूटी हुई हैं, टाइलें नहीं लगी हैं, हमने उनसे बोला कह रहे कंप्लेन लिख के दो, तो 4-5 दिन बाद हमने कंप्लेन लिख के दी, लिखनी तो आती नहीं, लिखवाई दी जी, तो वो दी, तो अब वो कह रहे हैं अभी बहुत सारी कंप्लेन है, जब वो होगी तब होगा। मैंने कहा सर जी कोई बात नहीं, लेकिन करवा देना, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम करवा पाएंगे जी। तो कह रहे हाँ जी करवा देंगे, DDA के अधिकारी तो सही हैं, वो ढंग से बात करते हैं, बाकी जो बिजली वाले हैं या वो हैं तो कहते हैं जी चाय पानी करो, चाय पानी करो, अब चाय पानी कहाँ तक करो,
हम खुद ही 10 रुपए की थैली लेके आते हैं, उससे चाय पीते हैं। जी जी, तो यही बोलने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया था। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, लेकिन अभी काम कर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, जिसे कर्ज गया कर्ज देना तो होगा आपको। तो अब क्या बताऊँ कि इस वजह से आपको ना दिखाने लाया था, बाकी तो दिया है बढ़िया है, क्योंकि हमारे पिताजी रहते तो थोड़ी दिक्कत होती, अब वो है नहीं, तो मैं हूँ, मेरी मिसेज है, दोनों काम करते हैं, बच्चा हमारा वीर सावरकर में पढ़ता है कालका जी में, तो आना जाना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर में हमारा कुछ है नहीं, मतलब घर हमारा ले दे के यही है। तो किया तो उन्होंने सही है, बस ही पास है क्या जो है ना वही, और कोई मेरे सिंगल फैमिली वालों के लिए तो हिसाब से अच्छा है, ठीक है। बस ये पैसे का हम इंतजाम कहाँ से करें, और अब लिया है अब देने का भी है, क्योंकि पैसा ना देंगे तो हमें इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो घपला कोई भी कर सकता है, हम भी कह देंगे जहाँ काम कर रहे हैं हम नहीं दे रहे साहब कहाँ से दें, लेकिन हम 400-500 कमाते हैं, अब उसके पास नहीं देंगे तो वो भी तो मार्केट में फैला देगा भाई ये लेबर सही नहीं है, तो काम नहीं मिलेगा हमें, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, बस वही। और क्या बताएं, ये काम छोटा मोटा हो जाए तो हम भी शिफ्ट हो जाएं, क्यों अब पानी की दिक्कत है, लाइटिंग की दिक्कत है, बच्चा रात को उठता है उसकी दिक्कत है, क्योंकि लाइटिंग के लिए मैं बाहर ही जाना पड़ता है, वहाँ इस बेसिस पे तो बहुत अच्छा। शौचालय नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास शौचालय नहीं है, सामूहिक जो शौचालय है हम उसी में जाते हैं, जल्दी जाएंगे तो साफ मिलता है, लेट जाएंगे तो फिर दिक्कत ही होती है, तो शौचालय की दिक्कत, और कोई ज़्यादा दूर भी ना वहाँ से, और यहाँ से है तो एक ही एरिया में एक ही क्षेत्र लगता है, विधानसभा भी एक ही लगती है, सब कुछ ठीक है, बस यही है कि इसका काम क्लियर, ये कह रहे हमने क्लियर करके दिया है, अब अंदर आते हैं तो इतनी टूट फूट है, टूट फूट है, अब किसी में स्विच नहीं लगा हुआ है, अब होल्डर ऐसी टांग दिए हैं, कनेक्शन नहीं है उसमें, अब उसके लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, उसका खर्च देना होगा, वो तो हमें देना होगा, कोई दूसरा देगा ही नहीं, वो तो कहेंगे आप लगाओ, हमने तो लाइन दे दी है, अभी मीटर हमने लगवा दिया, अभी तक लाइन हमारी ऊपर तक आई नहीं है, अब ऊपर लाइन आएगी तभी तो बल्ब लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, अब उसमें भी समय लगेगा, अब जो टाइल टूटी है, अब टाइल वाला आएगा, टाइल मशीन चलाने के लिए उसे बिजली चाहिए, अब जब तक बिजली आएगी नहीं, टाइल वाला डीडी वाले जो टाइल वाले भेजेंगे वो टाइल भी नहीं लगा पाएगा, अब वो समय मतलब गुजरता ही जाएगा, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ कि, और काम छोड़ के आना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, 400-500 कमाते हैं, जिसमें कि दो बच्चे हैं, मेरी घर वाली है जो घर में काम करती है, वो तो उनके जहाँ काम करती है अच्छे लोग थे, उन्होंने दिया पैसा हमें, मदद की उन लोगों ने, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड से कहो कि करें पैसे जल्दी दे, हाँ जल्दी नहीं दे, किस्तों में दें, लेकिन अभी काम चल नहीं रहा मेरा, मेरा कढ़ाई काम जो हम 20 रेट पे जितना करते हैं उतने कमाते हैं, अब घरवाली मेरी है 2000 रुपये लेती है, अपना खाना बनाती है और झाड़ू पोछा करती है, अब 2000 रुपये उसके हिसाब से भी अगर करेगी तो उसका भी अपना खर्चा है, मान लो मैं घर खर्च चला रहा हूँ, वो भी बच्चे को लाने ले जाने जाती है, मैं भी जाता हूँ, मैं छोड़ने जाता हूँ तो वो लेने जाती है, क्योंकि मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, घरवाली तो आ जाती है दोपहर को काम पे तो वो लेने चली जाती है, तो ऐसे हम अपना गुजर कर रहे हैं, अब बस यही है कि अगर इसमें और पैसा लगेगा तो लेना ही पड़ेगा, जैसे कहीं ना कहीं हाथ पैर मारे हैं फिर मारने पड़ेंगे, अब टाइल का भी काम करवाएंगे तो लेबर जो लेता है 600 रुपये लेता है, अब बिजली करवाएंगे वो भी 600, एक दिन में करके कोई राजी नहीं होता है। बिल्कुल, अब पैसे फिर से आपको लगाने होंगे, देखिए कितना दर्द झलक रहा है, हालांकि फिर मोदी द्वारा ये नहीं कहा गया था कि आप लोगों को पैसे पे करने होंगे, किसी से कोई रिश्तेदारों से कर्ज ले रहे, कोई ससुर से कर्ज ले रहे, कोई किसी और से परिवार से कर्ज ले रहा है, लेकिन कर्ज लेकर ये फ्लैट में आप रह सकते हैं, वो भी फ्लैट में सिर्फ एक ही परिवार रह सकता है, क्योंकि रूम छोटे छोटे हैं, 2 रूम है और 2 वॉशरूम और टॉयलेट आपने देखा, किचन मैंने आपको दिखाया है, मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर आई थी ताकि देख सकूं कि डीडीए फ्लैट क्या है और किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो असलियत मुझे सामने आई वो हैरान कर देने वाली है कि लोग पैसे एक एक पैसे जोड़ कर करके यहाँ पर लगाए हैं तब यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक हो या फिर वॉशरूम के अंदर जो है सफाई नहीं है, सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी, लेकिन सवाल ये कि मोदी सरकार द्वारा ये फैसला पहले नहीं लिया गया था, उन्होंने मुफ्त में वादे किए थे, लेकिन लोग अब रोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे अलाट हुआ था 1219, जो मुझे डीडी फ्लैट द्वारा अलाट हुआ था वो 1219 मकान नंबर था, तो उसमें आने पे मुझे ये जो सुविधा मिली यही मिली है, बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि हमें वहाँ दिक्कत है,
वही दिक्कत ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने कहा था ये दिक्कतें तुम्हें हट जाएंगी, लेकिन अभी दिक्कत तो वही पड़ी है, पैसों की दिक्कत आ गई। अब कोई दिक्कत आ गई। फ्लैट में मौजूद हूँ, पीएम मोदी द्वारा जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है ये बताना भी जरूरी है कि बताया जा रहा है कि हर किसी को पक्का मकान दिया जाएगा, और ये भी कह दिया गया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन मैं आज उसी पक्के मकान में हूँ। DDA द्वारा जो फ्लैट्स बनाए गए हैं और लोगों को दिया गया है, लेकिन इस DDA फ्लैट में आने से पहले शर्त है कि आप लोगों को पैसे पे करने होंगे, चाहे आप लोन लेकर के आए या किसी तरह से पैसे जमा करना होगा। 3 महीने का वक्त दिया गया है, अगर ये पैसे 3 महीने के अंदर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपके जो पेपर्स है उसमें कोई भी कमियां होंगी तो भी कैंसिल, आपके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है तो भी कैंसिल, और अलग अलग लोन लेने के भी प्रोसीजर है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन जो DDA फ्लैट लोगों को दिया जा रहा है, मैं मौजूद हूँ, ये किचन आप देखें, मैं अभी किचन में मौजूद हूँ, और किचन के साथ साथ जो फ्लैट दिए जा रहे हैं बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपये लिए जाते हैं, यही है DDA फ्लैट। और ये देखें, ये रूम है, आपको मैं ये रूम दिखाती हूँ, हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक बस एक रूम, ये आप देख रहे हैं, इसे हॉल भी कह सकते हैं। और आपको इधर दिखाते हैं क्या है, इधर ये वॉशरूम है, ये देखें, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, और इस साइड में ये वॉशरूम है, हालांकि टूटे फूटे हैं, ये देखें पूरी तरीके से ये टूट चुका है, और ये गंदगी साफ नजर आ रही है। और ये एक जो रूम है वो ये रूम दिया गया है, इसे बेडरूम आप बना सकते हैं। लेकिन इतने जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से कितने लोग यहाँ पर रह पाएंगे, ये मुश्किल है, क्योंकि परिवार में सिर्फ एक ही को ये फ्लैट प्रोवाइड किया गया है। और लोगों का सवाल यही है कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, परिवार है उसमें कह सकते हैं पोता है, पोती है, जो भी उसके रिश्तेदार है, जो भी बच्चे साथ में रहते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे कैसे रहेंगे, ये तमाम चीज़ों को